अब कैलाश जी लेके जा रहे हैं हमको मनसा माता शक्तिपीठ। अभी शरीर का माता सती के शरीर का कौन सा अंग यहाँ गिरा ये तो मुझे पता नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन ये क्या उन शक्तिपीठों में आता है। श्री अंबिका शक्तिपीठ बीजक पहाड़ी से करीब 4 किलोमीटर दूर है व विराटनगर बस स्टैंड से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हो रहा पहाड़ों के बिल्कुल नीचे लास्ट टाइम आया था तो शानदार बना हुआ नहीं था, अब तो बहुत अच्छा बन गया है। ये तो सीढ़ियां बना दी है, पहले सीढ़ियां टूटी हुई थी। जय माता दी। माता अंबिका के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत समेत कई पौराणिक किताबों में मिलता है। यह मंदिर विराटनगर के पापड़ी गांव में स्थित है। पापड़ी गांव का प्राचीन नाम पावपड़ी अर्थात जहां देवी के पांव पड़े, जो आज के समय में पापड़ी हो गया है। ज्यादा सीढ़ियां नहीं है, मुश्किल से कोई 100-150 सीढ़ियां है सिर्फ, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऊंचाई पे नहीं, छोटी पहाड़ी पे ही है। आ जाओ। माँ अंबिका शक्तिपीठ देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों में से 41वां शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी सती के बाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। भगवान कृष्ण भी विराटनगर की इस पावन धरती पर आए थे। माता को अंबिका व भैरव या शिव को अमृत कहते हैं। माता का यह शक्तिपीठ अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इस मंदिर को मनसा माता मंदिर भी कहा जाता है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तब यहाँ के पुजारी जी ने मुझे इस मंदिर की प्रतिमा के बारे में कहा था कि श्री अंबिका शक्तिपीठ की प्राचीन मूर्ति किसी स्मगलर द्वारा चुरा ली गई थी। वे आज वे प्राचीन मूर्ति कहाँ है इसका पता नहीं है। यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में आता है, 51 शक्तिपीठ तीर्थ। ये मंदिर के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी। हाँ जी। तो साहब मंदिर के बारे में कुछ बताइए, माता का कौन सा शक्तिपीठ है ये? 51 शक्तिपीठों में। 51 में कौन से नंबर का शक्तिपीठ है ये? बांह पर की उंगली बताते हैं साहब, यहाँ बाएं पैर की उंगली, माता सती की बाएं पैर की उंगली यहाँ पर गिरी थी। जब भी मैं आता हूँ तो मुझे अलग ही शांति मिलती है यहाँ पर। एक तो बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, जबकि थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर फिर भी इतनी शानदार हवा चलती है यहाँ पर। इस इलाके में जब भी कोई संकट आता था तो माता रानी की मंदिर से आवाज आती थी जो लोगों को सचेत कर दिया करती थी। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। परिक्रमा लगाते हैं माता के मंदिर में, एक ही परिक्रमा के लिए कह रहे हैं पंडित जी महाराज, 11 भी लगा सकते हैं। परिक्रमा में ही भैरव जी का मंदिर भी है। बोलो भैरव बाबा की जय। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय विराट नगर में पहुंचकर युधिष्ठिर ने अपनी कुलदेवी का मानस पूजन किया था, तब देवी ने उन्हें विराट नगर में आश्रय दिया था। इसी मानस पूजन के कारण ही मां मनसा देवी के रूप में देवी की स्थापना हुई। आते हुए जिस रास्ते से उससे नहीं जा रहे, उसके पीछे एक रास्ता हो रहा है मंदिर को जाता है, वहां से जा रहे। सब कुछ बदल गया, आज से करीब 7-8 साल पहले आया था मैं। पर जगह बहुत अच्छी है विराटनगर,
आपको चारों तरफ पहाड़ नजर आएंगे, जंगली जानवर नजर आ सकते हैं, किस्मत अच्छी हो। अंबिका माता मंदिर के पास ही है 11 मूर्ति धाम भरतरी बाबा मंदिर ट्रस्ट का। बोलो भरतरी बाबा की जय, भरतरी बाबा की जय। जय हो भरतरी बाबा। ये तो भारती से राजा भरते हैं, मैं जानता हूँ। मैं उज्जैन उज्जैन के राजा हाँ गए हुए मुझे। ये बाबा बालकनाथ जी संजय बाबा, ये गुरु जी महाराज जी हम महाराज जी उनके गुरु जी। तो ये अभी है नहीं वक्त दुनिया में ये समा गया। और भ्रमण पे कौन गए हुए महाराज? हमारे पिताजी महाराज। अच्छा दरबार गणेश जी महाराज, राधा गोविंद, कार्तिकेय भगवान, बजरंग बली, खाटू वाले श्याम, साईं बाबा। नीचे महाकाली माता का मंदिर है, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अरे त्रिदेवी आई तो, ओहो अरे त्रिदेवी नहीं, हाँ त्रिदेवी है। जय माँ, सर्वंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके नमस्तुते हि दया करे। जय मां। ऊपर भैरवनाथ जी का और बजरंगबली का शहीद देव का मंदिर भी है। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। ओम त्र्यंबकं विदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं भुवनं विश्वक्षेमामृतं। ये भैरव बाबा का मंदिर है। जय शनिदेव, ये नौ ग्रहों का मंदिर, नवग्रह है।